तो गाइस आज अपने पास है मिल्टन का थर्मो स्टील वाटर बोतल, आप देख सकते हैं। और बेसिकली गाइस आप लोग इसे यूज करते हैं गर्म पानी को गर्म रखने के लिए और ठंडे पानी को ठंडा रखने के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है गाइस, क्योंकि ये प्योर स्टील से बना होता है। और आज के इस वीडियो में मैं इसका मजबूती चेक करने वाला हूँ कितना ये मजबूत होता है, क्योंकि गाइस ये डबल लेयर का होता है तो और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए हमारे पानी को ये गर्म पानी को गर्म रखता है, ठंडे पानी को ठंडा रखता है। तो गाइस इसका मजबूती चेक करने के लिए हम लोग यूज मिलेंगे सोडियम मेटल का, आप देख सकते हैं। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, इस बोतल में थोड़ा सा मैं पानी ले लूँगा और उसके बाद इस सोडियम मेटल को धागे से बांध कर लटका दूँगा और फिर इसका ढक्कन बंद करके सीधा उल्टा करके यहाँ से भाग जाएंगे। और जब ये पानी में टच करेगा सोडियम मेटल, तो आपको पता होगा पानी में सोडियम मेटल टच करते हैं कितना आवाज़ के साथ ब्लास्ट होता है। तो सेम चीज़ इस बोतल के अंदर होगा, लेकिन देखना ये क्या बोतल फटेगा या नहीं फटेगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले इस मिल्टन के वाटर बोतल में डालते हैं पहले नॉर्मल पानी। तो गाइस आप देख सकते हैं इस बोतल में पानी है भरा हुआ है, और ज़्यादा भी नहीं लेना है गाइस और कम भी नहीं लेना है। इतना काफ़ी रहेगा। चलिए एक निकालते हैं सोडियम मेटल को। ये रहा गाइस सोडियम मेटल, इसको रखते हैं इसमें और काफ़ी सेफ्टी से करना पड़ेगा। ये रहा गाइस एक धागा, इस धागे में मैं इस सोडियम मेटल को अच्छे से बांध देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं इस बोतल का हाल काफ़ी ज़्यादा ही ऊपर गया है,
बट हमारा बोतल फट नहीं पाया है। तो चलिए मैं इसी चीज़ को फिर से एक बार ट्राई करता हूँ और देखते हैं गाइस इस बार क्या होता है। तो चलिए गाइस फिर से इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं इस बार क्या होता है। तो गाइस आप लोगों ने देखा मैंने इसी एक्सपेरिमेंट को दो दो बार ट्राई किया बट मिल्टन बोतल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। सोडियम मेटल आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, ज़रा सा भी नहीं लग रहा किसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। और सच में गाइस जो मिल्टन का बोतल आता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत आता है, आप लोगों ने खुद अपनी आँखों से देखा है, एक बार नहीं गाइस दो दो बार। लेकिन इसका ढक्कन आप देख सकते हैं क्योंकि गाइस ढक्कन में रहता है प्लास्टिक और खाली ये प्लास्टिक डैमेज हुआ है आप देख सकते हैं, और बाकी जो स्टील का चीज़ रहता है गाइस और आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ है। और बोतल तो गाइस कुछ भी नहीं हुआ है। तो गाइस आज का एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार का रहा। तो गाइस आप लोगों को वीडियो में थोड़ा सा ही मज़ा आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ गाइस इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।